नाज़रीन, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, कब्रिस्तान जा रहा हूँ, और जहाँ पे मेरी वालदा जो है मदफन है, और मेरे दादा दादी और मेरी सिस्टर यहाँ पे मदफन है, तो मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। हाँ तो नाज़रीन, ये कब्रिस्तान है जहाँ मेरी वालदा वगैरह और मेरी सिस्टर और मेरे दादा दादी, पुप्पा पुप्पी वगैरह, ये पूरा आधा ख़ानदान यहाँ पे मदफन है। तो अब यहाँ पर मैंने फातिहा पढ़ ली है वैसे, और अब यह है कि शाम में किसी पहर आकर जो है कब्रों की सफाई करूँगा, और फिर उसके बाद जो है वो ये भाई भी मेरे इस वक्त मेरे साथ आए हुए हैं। तो हाँ तो नाज़रीन, अब हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, ये मेरे साथ हैं मेरे फवीदा भाई, और अब हम लोग निकल रहे हैं कब्रिस्तान से। अब हम जाएंगे शहर के मुख्तलिफ एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। स्टे विद अस, थैंक यू सो मच। और ये हम कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ चुके हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे मैं ये कहूँगा कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, और इनफैक्ट ये माशाल्लाह एक अच्छे अहदे पर फाइज भी हैं। यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेंट आदम की सफाई सुथराई के हवाले से इनकी अहम जिम्मेदारी है, जो इसको ये बखूबी निभाते हैं, और ख़ास तौर पर SOP के मामला को काफ़ी ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। इन दोनों जो भी COVID-19 के सिलसिले में जो भी SOPs होती हैं वो ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं इसको। तो आइए मिलते हैं मेरे ज़बरदस्त दोस्त और यहाँ के अहदेदार मिस्टर समद बलोच। समद बलोच साहब, क्या चाल हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा समद साहब, ये माशाल्लाह मेरा तो खैर, क्योंकि ज़ाहिर जी बात है ये एक आबाई शहर भी है ज़ाहिर खंडवा। तो अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, आप माशाल्लाह कब से इस जिम्मेदारी से जो है वो मुंसलिक हैं, आप कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए या इस जिम्मेदारी से मुंसलिक हुए? मैं 12 सालों से लेकिन ये 3-4 साल हो गए हैं जो इसे काम पे लगे हुए, सफाई सुथराई के मामला होते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा समद साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे माशाल्लाह सफाई सुथराई के हवाले से जो है वो टंडाधम में आपकी एक अहम जिम्मेदारी है, और बनिस्बत और दूसरे शहर, इवन मैं कराची से अगर मुवाज़ना करूँ तो टंडाधम कंपेरेटिवली बहुत साफ़ सुथरा मुझे मिला, तो इस हवाले से आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, भारत दायरे लोग सराहते हैं इसको। अच्छा, कभी इस हवाले से आपको अथॉरिटीज़ के हवाले से, यानी कि इख्तियारात के हवाले से कोई कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, इस मामला में कोई मुश्किल नहीं। आजकल जैसे हमारे साथ एसी साहब हैं, इजाज़ अहमद जदवी साहब ग्रेट अफसर है, ऐसे मामला के लिए हर तरह के मामला हल करते हैं। कोई भी इशू, मतलब सफाई सुथराई के मामले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो? नहीं करते। अच्छा, वैसे नॉर्मली एक आम तासुर दिया जाता है कि जो है वो सरकारी महकमों में जो है वो अटेंडेंस जो है वो सरकारी अफसरान की या अहदेदारान की जो है वो ना होने के बराबर होती है, क्या ये बात सही है, मतलब यहाँ के हवाले से? यहाँ कुछ इस तरह था पहले, लेकिन उसके बाद जैसे ये चेयरमैनों का दौर आया था सही हो गई, और उसके बाद अभी हेड मिनिस्टर साहब एजाज अहमद चौधरी साहब बेशक बेशक, वो तो मैंने देखा है सर आपके माशाल्लाह ये कैंपेन जो है वो आपके सोशल मीडिया पे भी शेयर होती है, तो वो ऑफकोर्स हम लोग देख रहे होते हैं।
और लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। और अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मेरी हवाई जगह भी है, तो लिहाजा मेरे भी यही कोशिश है कि एक टंडादम को एक बहसीयत है, एक साफ सुथरा शहर जो है वो, इसकी इमेज को जो है वो उजागर किया जाए दुनिया की नज़रों में। ये मेरी जिम्मेदारी है इस व्लॉग को लेके। तो बहरहाल इसमें आपका कोऑपरेशन मुझे बराबर चाहिए होगा। और बस बहरहाल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम टंडवादा म्यूनसिपल कमेटी में इस वक्त हैं और यहाँ पर एक बोसीदा इमारत के अंदर जो है वो इसका जो है ऑफिस फिलहाल वक्ती तौर पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कुछ रिनोवेशन का काम जारी है जिसकी वजह से ऑफिस को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अच्छा, अभी जो टंडवादा की सफाई के हवाले से जो करता धरता हैं उनको हम लोग जो है वो आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, और वो परफॉर्म किस तरह करते हैं, किस तरह इनका टीम वर्क काम करता है, ये आपको वो खुद बताएंगे। आइए चलते हैं। वालेकुम हमीदुल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैंने अपने नाज़रीन को आपको जो है वो एक गायबाना तारुफ आपका दे दिया था कि सफाई सुथराई के हवाले से जो है वो आप जो है अथॉरिटी हैं और करता धरता हैं ज़ाहिर है, और जितनी भी SOPs हैं ये फॉलो करवाते हैं आप लोगों से ज़ाहिर है। तो ये एक चीज़ मैंने अपने नाज़रीन को बता दी है। कुछ अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाही दें प्लीज़। ये टंडवादम शहर में अल्लाह का शुक्र है, पूरी सिंध में टंडवादम शहर किसी टाइम पर टेरिस क्या कहलाया करता था, और अभी इंशाल्लाह जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जावेद मजबूरी साहब, इब्राहिम उमानी साहब हाजी में हमारे आए हुए, और हमारे सैनिटी इंस्पेक्टर और सैनिटी वर्कर अंतक मेहनत से इस शहर को सफाई सफाई में मेन किरदार अदा करते हैं। माशाल्लाह, आपको मालूम है कि चाहे ईद कोई भी त्यौहार हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, मुहर्रम हो, मिलाद का प्रोग्राम हो या बरसात के मौसम में, अल्लाह का शुक्र है हमारे सैनिटी इंस्पेक्टर सैनिटी वर्कर बढ़ चढ़ कर इस शहर की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। और आप खुद जाके विज़िट कर सकते हैं, जाके अपने गलियों में कुचों में कहीं पर इंशाल्लाह आपको कचरा वगैरह नहीं मिलेगा। जी जी हमीद साहब, बिल्कुल मैं देखा है, बल्कि आपके जितनी भी सफाई सफाई के हवाले से कैंपेन्स हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं नॉर्मली, और वो मैं देखता भी हूँ। और देखने की वजह भी ये है कि क्योंकि ये मेरा आबाई शहर है, क्योंकि मेरा तो खुद ताल्लुक जो है वो टंडवादम से है। अच्छा, करंट ये जो हमारे माशाल्लाह जो है वो इमामुद्दीन चौकीन साहब का भी बड़ा हाथ है टंडवादम के रेनोवेशन के हवाले से, उन्होंने बड़ा देखा जाए तो एक तरह से सपोर्ट किया है काफ़ी, जो मैंने देखा है। अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस हवाले? बिल्कुल सर, यहाँ पर जैसे हमारे चौकीन साहब हैं हाल ही में सेंटर रह चुके हैं कि उनके मेन किरदार है शहर के लिए, हमारे MP साहब हैं उनकी भी शहर के मेन किरदार है जिस शहर के लिए, चौकीन साहब ने आज कल रोड और रास्ता गली में भी हमें दी हुई और सफाई सुथरों का मेन किरदार है MP साहब हैं, मेरे साथ हैं हमारे शहर के लिए, और खासतौर पर MP साहब जी ने इसने बहुत सड़के इतने हाल ही में MP साहब ने वाटर प्लांट के लिए जोराबाद में एक सिस्टम को फॉलो किया है, और चूँकि इनकी मेन किरदार करते हैं शौकीन साहब सेनेटर हैं MP साहब, और हमारे शहर के लिए खिदमत करते रहे हैं वो करते रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब आपका, और बहरहाल मेरी भी यही विषय है कि टंडवादम जैसे कि टंडवादम को सिंध का पेरिस कहा जाता था, मैं भी चाहता हूँ कि वो आज भी सिंध का पेरिस ही कहलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके ताउन का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, ये थे कुछ क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए टंडवादम के हवाले से, टंडवादम की ट्रिप के हवाले से। तो नाज़रीन अभी कुछ शेयर करने जैसा है और बाकी जो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।